हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज का नाम है स्पॉटलाइट स्टॉक्स। इस सीरीज में हम आपके साथ हर हफ्ते एक कंपनी या एक स्टॉक डिस्कस करेंगे और वो स्टॉक का हिस्ट्री बताएंगे, सक्सेस फेलियर फैक्टर्स बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है। तो आज हमारे पहले एपिसोड के लिए हमने येस बैंक को चुना है एज आर स्पॉटलाइट स्टॉक। तो येस बैंक एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे दलाल स्ट्रीट की डार्लिंग हुआ करती थी, इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, आज वो उसके टॉप से 90% से भी ज्यादा गिर चुकी है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा येस बैंक में क्या हुआ कि इतना सारा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ। येस बैंक की स्टोरी जानने के लिए हमें 15 से 16 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है साल 2003 की, जब तीन लोगों ने मिलकर येस बैंक की शुरुआत की थी, अशोक कपूर जी, राणा कपूर जी एंड हरकिरत सिंह। लेकिन हरकिरत सिंह बैंक को बहुत ही जल्दी छोड़ के चले गए, ये कह के कि उनके और बैंक के ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं। येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनके एनपीएस। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि येस बैंक की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज थी, वो 2008 में ही शुरू हो गई थी, जब 26/11 के अटैक में अशोक कपूर जी की देहांत हो जाती है। आफ्टर दैट जो येस बैंक है वो एक वन मैन शो बन के रह जाता है, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल राणा कपूर जी के हाथ में चला जाता है। राणा कपूर एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी के हिसाब से जाने जाते थे। उन्होंने उनका लोन बुक बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया था। 2014 से लेकर 2019 तक उनका लोन बुक 4 times से भी ज्यादा बढ़ गया था। 2015 में UBS की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि येस बैंक इज गिविंग लोन्स टू वेरी वेरी स्ट्रेस्ड ग्रुप्स, यानी वो ऐसे ऐसी कंपनीज को लोन्स दे रहे हैं जो बहुत खुद स्ट्रेस में है या फ्रॉड में अटके हैं या उनकी खुद की फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो लोन रीपे कर पाएंगे। इन ग्रुप्स में नाम था अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, जेट एयरवेज, DHFL, INFS। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था येस बैंक के फॉल का, वो ये था कि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही पुअर था। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट के लोग भी बैंक छोड़ के जा रहे थे। इनमें से एक थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल। उन्होंने बैंक छोड़ते छोड़ते ये कहा कि बैंक की प्रैक्टिसेस बहुत ही बिगड़ती जा रही है और बैंक में बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स भी हैं। बैंक की प्रैक्टिसेस इतनी खराब हो गई थी कि RBI ने रिपोर्ट किया कि बैंक ने 3,277 करोड़ के NPA पब्लिक से छुपाए थे। 2018 में CBI के एक रिपोर्ट के अनुसार येस बैंक ने जो 3700 करोड़ का DHFL को लोन दिया था, उसमें से उनको 600 करोड़ का किकबैक मिला था। CBI और ED ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन शुरू किए राणा कपूर एंड फैमिली के अगेंस्ट। लेकिन ये सब के चलते और बहुत सारे रेड सिग्नल्स के होते भी अगस्त 2018 में येस बैंक के शेयर ने ऑल टाइम हाई किया था और येस बैंक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस हुआ था। इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के बाद भी येस बैंक के शेयर्स में गिरावट तभी आती है जब भी RBI ये बताती है कि येस बैंक के जो CEO और MD है राणा कपूर, वो 31 जनवरी 2019 के बाद MD एंड CEO के पद पर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसे पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा रेड फ्लैग तभी ये था, सितंबर 2018 में राणा कपूर जी ने ट्वीट किया था कि वो उनके येस बैंक के शेयर्स कभी भी नहीं बेचेंगे, वो उनकी बेटी को वो गिफ्ट देंगे और विल में भी ऐसा लिखेंगे कि ये शेयर्स कभी भी नहीं बेचे जाएं। उन्होंने उनके शेयर्स को डायमंड से कंपेयर किया था, ये बोल के कि डायमंड्स आर फॉरएवर। जबकि जून 2018 से ही प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग कम होते गया और जून 2020 तक प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग जीरो हो गया। और यही सेम पीरियड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने येस बैंक एग्जिट किया या उनका स्टेक घटाया। बट ऑन दी अदर एंड बहुत सारे नए रिटेल शेयर होल्डर्स ने येस बैंक में एंट्री की। आज भी 31 लाख यूनिक रिटेल शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो येस बैंक को होल्ड करते हैं एंड प्रोबेबली मेजोरिटी ऑफ देम आर इन लॉस। आज भी अगर आप येस बैंक के फाइनेंशियल देखेंगे तो उनकी स्टेट बहुत खराब है। ग्रॉस NPA करीबन 15% है, नेट NPA करीबन 4% है और उनका कासा रेशियो भी बहुत खराब है। हमारी रिसर्च के अनुसार येस बैंक में लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट होना बहुत ही मुश्किल है और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप येस बैंक को कोई अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में स्विच कर ले या कोई अच्छे स्टॉक्स में स्विच कर ले। अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में जानना हो तो प्लीज विजिट stockbasket.com, जहां पे एक्सपर्ट क्रिएटेड बहुत सारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है। सैमको यूजर्स के लिए येस बैंक का स्टॉक स्विच करना बहुत ही ईजी है। उनके स्टॉक नोट ऐप में होल्डिंग से वो इजीली स्टॉक बास्केट में स्विच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।